जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एसपी और राम कुमार डीएसपी अभियान दीपक पांडे ने सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार थाना अंतर्गत दुग्गू ओनेगड़ा कानी टोली में बनाए जाने वाले पोलिंग बूथ केंद्र का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद पेशरार थाना प्रभारी को सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा, भौगोलिक स्थिति, व्यवस्था आदि की वस्तु स्थिति का जायजा लिया, साथ ही ग्रामीणों से भयमुक्त होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अपील करते नजर आए। पंचायत चुनाव आने वाला पंचायत चुनाव के लिए हम लोग पूरा तैयारी है। सारा सीनियर ऑफिसर्स के लेवल भी सारा हाइपर सेंसिटिव उसको घूम लगातार विजिट कर रहा है, उसका इंस्पेक्शन कर रहा है, उसको डिप्लॉयमेंट वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग का बाकी पुलिस की तरफ से कार्रवाई होता है, 107 का कार्रवाई है, और बाकी लीगल लिकर पकड़ना और बाकी सब चीज़ों पर हम लोग का कार्रवाई जारी है। पब्लिक से यही अपील है, पंचायत चुनाव में सब लोग आकर वोट देने, एक सुरक्षित और सेफ वातावरण देने के लिए हम लोग 100% पूरा तैयार। सर, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पे सर विभिन्न मतलब फोर्सेस से हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और सूचना संकलन कर रहे हैं और लगातार हाई अलर्ट में रहे, और डेली हम भी 8 बजे में ब्रीफिंग कर रहे हैं। हर एक दिन हम लोग गूगल मीट के माध्यम से 8 बजे सारे थाना प्रभारी डीएसपी साहब लोग से हम लोग गूगल मीट के द्वारा हम लोग खरीद ले रहा है, क्या हो रहा है, क्या उस दिन का क्या क्या टास्क है, अगले दिन ने लोग क्या क्या किया, और सारा चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सर, मतदान बढ़ाने के लिए भी कुछ है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।